हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जन ट्यूटोरियल्स। आज अलजेब्रा में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कहता है कि इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एक एग्जाम हुआ, 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट और 40 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कितने स्टूडेंटों ने वो एग्जाम अप्लाई किया वो फाइंड करना है। अब इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले इसका अपन एक वेन डायग्राम बनाते हैं। इंग्लिश में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? इंग्लिश में पास होने वाले 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओके। मैथ्स में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हैं? मैथ्स में पास होने वाले 60 स्टूडेंट हैं। अब ध्यान देना, और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है? दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 40 स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब 50 में से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए, तो इसमें से अगर मैं -40 कर दू तो इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? सिर्फ इंग्लिश में 10। इधर भी 60 में से 40 स्टूडेंट इंग्लिश में भी पास हुए हैं, तो अगर 60 में से 40 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचता है? 20। तो 20 स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, ठीक है। तुमको फाइंड क्या करना है? तुमको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंटों ने टेस्ट को अप्लाई किया। अब वो कैसे फाइंड होगा वो ध्यान दो। यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। लेट सेट ई ले लेते हैं जो स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं। सेट ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है। आगे लेट सेट एम, ये किसका सेट ले लेंगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स, ठीक है। आगे लेट ई इंटरसेक्शन एम, सेट ई इंटरसेक्शन एम ये किसका है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। अब वैल्यू लिखते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश कितना दिया है? 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स कितना दिया है? 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट यानी ई इंटरसेक्शन एम कितना दिया है? 40। अपने पास यूनियन नहीं है तो आप फॉर्मूला डालेंगे। देयरफॉर एन ई यूनियन एम इज इक्वल टू एन ई माइनस एन एम, सॉरी एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम। अब फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें कौन से अल्फाबेट का इस्तेमाल किया था? ए और बी का। यहां पर ए और बी की जगह पर कौन सा अल्फाबेट ले रहा हूं? ई और एम का। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एम नहीं मालूम है मेरे को, तो यहां पर लिखता हूं देयरफॉर एन ई यूनियन एम एज इट इज इक्वल टू
एनई कितना है, एनई 50 है, प्लस एनएम कितना है 60 है, माइनस एनई इंटरसेक्शन एम कितना है 40 है, इज इक्वल टू 50 प्लस 60 110 माइनस 40 70। यानी 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या फिर मैथ्स में पास हुए हैं या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। देखो ये डायग्राम से समझ में आएगा, सिर्फ 10 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, 20 स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए हैं और 40 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो कुल मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, 40 प्लस 10 50 इज इक्वल टू 70 आया ना आंसर। अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 70। यानी कुल मिला के 70 जनों ने एग्जाम अप्लाई किया, कोई भी बच्चा किसी एक सब्जेक्ट, कोई भी बच्चा दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है। इस तरह तुमको करना था, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब तुम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन लिखोगे तो ये डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन से लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ।